इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आप सभी को याद होगा कि पूर्व मंत्री एकनाथ राव खड़से के खिलाफ कुछ कार्यवाहियां हुई थी, जिसमें मुक्ताई नगर के विधायक की शिकायत पर उनको 137 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया था। गौन खनिज मामले में उन्हें 137 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसके लिए एसआईटी ने जांच की थी और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये सारे कार्यक्रम हुए थे। एसआईटी की रिपोर्ट जब आई थी कि 137 करोड़ रुपए भरने हैं, तो एकनाथ राव खड़से कोर्ट गए थे। कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये सारा मामला महसूल प्रशासन का है और कार्यवाहियां वही करेगी, जिसके बाद पूर्व महसूल मंत्री एकनाथ राव खड़से ने अभी के महसूल मंत्री विखे पाटिल जो हैं उनके पास शिकायत की, उनके पास एक एप्लीकेशन दिया और फिर से जांच की गई एक समिति बनाकर, जिसके बाद समिति ने एकनाथ राव खड़से को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है और जो कुछ भी एसआईटी ने किया था उसको कहीं ना कहीं दोषपूर्ण बताया है, कुछ गलत ही बताया है। कहा है कि जो अपराधी है बताया जा रहा है जिसे, उसका अपना कहने का अवसर कुछ भी नहीं दिया गया। दूसरी तरफ लोग ये बात कर रहे हैं कि रक्षा खड़से, जो एकनाथ राव खड़से की बहू भी हैं और सांसद भी, इनके अपने प्रयास की वजह से गिरीश महाजन की टीम को अब हार स्वीकारनी पड़ेगी। ये सारा मामला जो है वो गिरीश महाजन की टीम कर रही थी, गिरीश महाजन के प्रयासों से, गिरीश महाजन के नज़दीकी जो हैं उनके प्रयासों की वजह से एकनाथ राव खड़से के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन रक्षा खड़से चूंकि सांसद है और दिल्ली में रहती हैं, तो मोदी और शाह के साथ मिलजुल कर उन्होंने ये सारा मामला फिट एंड फाइन कर दिया है, क्योंकि सरकार ने ही कमेटी बनाई थी, दोषारोपण किया था और सरकार ने ही अब क्लीन चिट दे दी है। तो इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब लोग ये भी लगा रहे हैं कि जल्द ही एकनाथ राव खड़से फिर से बीजेपी में प्रवेश करेंगे और जैसे ही एकनाथ राव खड़से का बीजेपी में प्रवेश होता है उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन जो है उनको कहीं ना कहीं डाउन स्टेप कर दिया जाएगा। आगे आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और भविष्य में क्या क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।